व्यवहार रही कभी ठेका हम जावा कभी चप्पल हम जावा और नियर रही आम मिठाई हम जावा उन्हें ते उनका ना हालम कभी आ जे आम चलते ते माहौल खराब हो और होना भी स्थिति रहे आम को टारगेट हो इसलिए कोशिश कीजिए थाना प्रशासन के हमारे जवान लोग चले गए हैं इसलिए कोशिश न करिए आप पूरी तरह से मेंटेन करिए ये टूर्नामेंट आपका है ये टूर्नामेंट सिर्फ गोकुलपुर का नहीं है हम सबका है इसलिए कोशिश करें बांस का जो गैलरी बनाई गई है उसको सही सलामत उसको सुरक्षित रहने दें आप प्रिय दर्शक आपसे विनती है और यहाँ पर एक सुनहरा मौका मिलता हुआ एक एफसी किस्कु ब्रदर टाटा स्टील जमशेदपुर की टीम पहला मौका हो सकता है देखना होगा कि कल जिस तरह से रविराज ने दो गोल मारा था जर्सी नंबर 10 रविराज का क्या योगदान रहने वाला है रविराज चील का प्रदर्शन से ही जब से टीम लगे बॉल पेनेट्रेशन रियापुर जरूर ताहे करा अजय मौजूदा ताहे करा मेंका असे आर्मी था ते कॉर्नर रिया सारा फील करा 17 नंबर रहे अजय तो बा नोनी के ना नोनी तो कॉर्नर किक लगी ये लगन उड़े थोड़ा गन को दबाव चू करा एफसी सोरेन स्टार बदहुतु महेशपुर टोटल 22 गुटे गोल भी किया टोटल 22 गुटे इन 2022 में ओपेटा गुटे पे 23 साल चाल भैरव क्लब गोकुलपुर लगी मतो तो बा आबू मां संथाल प्रगा मंडल लगी अड़ी मरम दिन कना जे आबुआ भारत दिसम रे ओपे दो नेशनल टीम रे ओपे दो कैप्टनसी चुकाओ का फीफा वर्ल्ड कप रे अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप रे अस्तो पुरा आबू तलारे तीन सेटल करा होना साथ साथ है बढ़िया स्टेट लेवल रे खिलाड़ी को सेटल करा मोबाइल खेलता बोना अब आप खुली रे नी खड़ी अपने जबरदस्त बढ़िया टीम को गाते करा को जहाँ लोग जो तो एफसी सॉलिड स्टार बात को महेश को साथ है एफसी किस्कु ब्रदर्स टाटा स्टील जमशेदपुर रुपया जबरदस्त मैच को नियले किया नी खड़ी आ कहे ना कि तो आरंभ के विशेष आकर्षण बिना तो बना अपने मई तक को गाते आ को हाँ ये ताइनों दे हाँ जाए बढ़िया टीम भी रिजू करा गर्ल्स टीम पीएसजी टीम फुटबॉल अकादमी खातरा बापुरा होना टीम अच्छा गोटे कमेटी से खन घोषणा वही करा 10,000 रुपये लगातार कोड़ा गिदर और कुड़ी गिदर उनको लगे तो फ्री गया फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आप उनको मैच में जब डाले तो तेने कुड़ी गिदर कोड़ा गिदर के बिना पे अंडर 10,000 रुपये लगातार तो आप फ्री थे उन्होंने मैच पे जब डाले एक खास सूचना दोनों टीम के खिलाड़ी खेल ले दोनों टीम के खिलाड़ी खेल ले फर्स्ट गोल के लिए ऑफर आ चुका है और इस चिलचिलाते धूप में भी ऑफर की बारिश शुरू हो गई है फर्स्ट गोल के लिए हमारे सम्मानित नरेश दास
के पुलिस में कार्यरत है और उसके तरफ से 500 का ये ऑफर, पहला ऑफर, जो भी खिलाड़ी फर्स्ट गोल दागेंगे। अच्छा माफ कीजिएगा, ये स्टील सिटी जमशेदपुर के लिए है, एक टीम के लिए है, सिर्फ एक टीम टाटा स्टील जमशेदपुर की टीम के लिए ये प्राइज है। हमारे नरेश दा की तरफ से 500 का ऑफर आया है जो खिलाड़ी फर्स्ट गोल दागेंगे। अटोबोनियल को आपको एटा खिलाड़ी को बोला पहिल गाती की चला केना नीटो गोरा बे शॉट के दा को दा गोलकीपर करा है अरे मजा हो महेशपुर टीम नहीं 8 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी नौकान खिलाड़ी के नाए जे अड़ी लिल्हाय लिल्हाय को थोड़ा दिन को को नहीं चले का था गोपालपुर रहो हाथी हाथीगढ़ रहो आईमारे जगह रे जीतो चू का को नहीं जब ड्राइवर कर रे चला तो कम से कम पिया या पुण्या बोल दो पेनल्टी दे सेव दिया न बेहतरीन कलीन हंसता अड़ी सीनियर प्लेयर भोला हो काल पुण्या सेव ले रहा अड़ी शानदार नियतला रे नोडे गुरबावा शॉट सॉरी ओंडे गोकुला शॉट आ गया 4 नंबर रे गया ओंडे टाटा रे खिलाड़ी सागर लाम हो थोड़ा गन रॉन्ग टैकल रिया सर एफसी सोरेन स्टार बद फुटू महेशपुर और आप देख रहे हैं इस समय वीआईपी मंच के आगे से हमारा हमारे इस टूर्नामेंट के जो स्टेज नंबर 2 से हमारे निशान जी के ग्रुप यानी कि बगान के सदस्यगण इस समय निरीक्षण करते हुए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संथाल परगना हुल समिति के जितने भी मेम्बरान से बार 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 मैं गुजारिश कर रहा हूँ कृपया करके आप लोग भी इस मेन स्टेज के साइड में रोड में आप लोग आ जाइए, बार बार आप लोगों को इतला किया जा रहा है। इसमें मीठे मौका सुनहरा चांस डायरेक्ट हिट लगा बिलामेन खान को ही खतरा मार सीखा यहाँ से एक टीम अगर फाइनल में जगह बनाएगी तो गाजल के साथ यहाँ पर 3 लाख में जीतने के लिए लड़ाई होगी तो कॉन्टेस्ट तो बहुत महत्वपूर्ण मान रहने वाला है क्योंकि जब आप सेमीफाइनल में खेलते हैं और आप फाइनल जाने का लालच हर किसी के मन में होता ही है। सीखा जीत के लिए खेल जब है तो कोशिश तो जारी रहेगी दोनों में ही और दोनों ही कोशिश करेंगे कि फाइनल तक जाए क्योंकि ये जो ये भी अमाउंट का जो प्राइस मनी है ये सबको ही लेना चाहिए। जहाँ पे बात सिर्फ प्राइस का हुआ या फिर सिर्फ पैसा का हुआ, पैसा बड़ी बात नहीं है लेकिन बात ये है कि जीतना ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे और ये हमारे जो दो टीम है दोनों टीम जो पहले रिकॉर्ड बना चुके हैं और आज के यहाँ पे भी गोकुलपुर की ये फील्ड में आज भी ये कुछ नया रिकॉर्ड बना के ही जाएंगे यही उम्मीद शायद उन अपने प्लेयर सभी भी है और हम लोग भी कोशिश हम लोग भी इच्छा रख रहे हैं कि कुछ न कुछ नया रिकॉर्ड ये लोग बना के जाए हमारे गोकुलपुर के मैदान में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के जवान जो कि इस समय निरीक्षण करते हैं पश्चिमी छोर की ओर से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लब की ओर से। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में बहुत सारे एक्स फुटबॉलर साथ ही साथ जो कि शिक्षक के पद पर कार्यरत, पुलिस में कार्यरत, विभिन्न तरह की सरकारी सेवाएं में कार्यरत हमारा इस समय जो स्टेज नंबर 2 में जो बैठे हुए आप देख रहे हैं रेफरी स्टेज के बगल में बहुत सारे हमारे सम्मानित गण्यमान्य गण इस समय मौजूद हैं। इसी बीच में यहाँ पर डायरेक्ट हिट के जरिए इस फ्री किक को गोल में डालना चाहा लेकिन गोलकीपर नाइकी मुर्मू का सुंदर सेव। अगर देखा जाए बदगुटू महेशपुर की टीम से चुनाज हेम्ब्रम और जोएल हेम्ब्रम दोनों हेम्ब्रम ब्रदर्स का जो जोड़ी है फुलबैक में दोनों ने अच्छा ड्यूटी निभाया है। हालांकि यहाँ पर फुलबैक में यहाँ खेलते हुए जर्सी नंबर 5 टीम के कैप्टन सुखलाल का अच्छा पास लंबा बॉल का सप्लाई किया गया है। विशेषकर मैं निवेदन करूंगा इस मेन स्टेज के बगल में रोड में कृपया करके आप लोग खड़े में रहें, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे इसलिए कि हमारे वीआईपी अतिथियों का आना अब शुरू हो गया है, अब चहल पहल शुरू हो गया है इसलिए यहाँ कोई खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि महिलाएं भी आ रही है और मैं डांस स्कूल के मैनेजर
मैनेजर से भी गुजारिश करूंगा आप भी रेडी रखें, कम से कम चार नाम सुना चाहिए हाफ टाइम के समय में। आप रेडी रखेंगे, अपने कलाकारों को रेडी रखेंगे। इसी बीच चुनाव का अच्छा क्लियरेंस इस बार देखना है। यहाँ पर पाकुड़ के जिला के एक टॉप प्लेयर में गिने जाते हैं एक युवा खिलाड़ी विजय सोनेट, और पांच नंबर में यहाँ पर खेलते हुए जर्सी नंबर 5 पहने हुए खिलाड़ी हीरा हेमराम। हीरा का पास यहाँ विजय खेल ले, विजय ने हीरा को पुनः पास बढ़ाया है। हीरा हेमराम बहुत ही सुंदर जैक्सन के पास, जैक्सन कड़ी मोहन पर्याप्त खिलाड़ी के लिए सही कर लिया, और यहाँ पर टीम के कैप्टन राजीव का शॉट, लेकिन काफी दिशाविहीन शॉट, मुकाबला काफी जबरदस्त। आप देख रहे हैं इस समय उत्तरी छोर पर दो हमारे साथी मोटू और पतलू बेहतरीन नकाब पहन करके हम सबको मनोरंजन करते हुए। आप दर्शक से गुजारिश होगा हाथ मिलाइए, हाय कीजिए दोनों को, दोनों को खुशी होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बच्चों का फेवरेट मिक्की माउस का जो एक इस तरीके का सुविधा जिसे बच्चे लोग काफी खुश होते हैं, अच्छा लगता है सिखा। सारी चीज का मैनेजमेंट बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से किया गया है। আমরা কথার মাঝে যদি বেশি হারিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা ম্যাচের অনেক কিছু মিস করে যাবো। যেমন দেখতে পাচ্ছি আমরা কথার মাঝখানে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি তুষারজি এত ভালো কমেন্ট্রি করে যে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ম্যাচ থেকে একটু চোখ সরিয়ে বা ম্যাচের মধ্যে চোখ রেখে কানটাকে একটু বেশি তুষারজির কথায় রাখি। তো সেই কারণে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ও অসাধারণ একটা কমেন্ট্রি চলছিল, তার সাথে সাথে মাঠেও কিন্তু একটা অসাধারণ গেম চলছিল। কর্নারে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোল করার চেষ্টা করছিল কিন্তু গোল চেষ্টা সত্ত্বেও সেটা হয়ে ওঠেনি। তো যাই হোক এখনো পর্যন্ত না হয়ে উঠলেও এখনো ওদের হাতে অনেকটা সময় বেঁচে আছে, অনেকটা সময় আছে, কিন্তু সেই সময়ের সৎ ব্যবহার কি কিভাবে করছে কতটা আগে করতে পারছে সেটাও একটা দেখার বিষয়। কারণ কি যে আগে গোল দেবে তার কাছে কিন্তু অনেকটা কি বলবো এটি সাপোর্ট বলা যেতে পারে, কারণ তার একটা জেতার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা কিন্তু রেজাল্টের আশা আগে থেকে করতে পারবো না, যতক্ষণ শেষ হচ্ছে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না ফাইনাল রেজাল্ট কি হতে চলেছে। যারা প্রথম গোল দেবে তারাই যে জিতবে এমন কোনো কথা নয়, কিন্তু হ্যাঁ তবে যারা যারা প্রথম গোল দেবে তারা কিন্তু একটা মনের মনোবলটা কিন্তু বেড়ে যায় যে না আমরা প্রথম গোল দিয়েছি, আমরা শেষ গোলটা হয়তো আমরা দিতে পারবো। এটা সত্যি একটা অসাধারণ ম্যাচ, অসাধারণ টুর্নামেন্ট, অসাধারণ একটা চারপাশের মনোরম সভা দেখলে আমরা বুঝতে পারি একটা দারুণ ভাবে যে এক মাস ধরে তারা যে এত কিছু খেটে খুঁটে এত সুন্দর একটা আয়োজন করেছে এটা আপনাদের সকলের ভালোবাসা ছাড়া আপনাদের আশীর্বাদ ছাড়া কিন্তু সম্ভব হতো না। আমরা যে এতজনের ভিড় দেখতে পাচ্ছি, এত ভিড় সমারোহ দেখতে পাচ্ছি, এই ভিড়টা কেন? আমরা সবাই ফুটবল প্রেমী, তার সাথে সাথে আমাদের এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা সুব্যবস্থা বলা যেতে পারে। সুব্যবস্থার জন্যই কিন্তু আমরা এত ভিড় এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এখানে বসার জায়গা ঠিক না থাকতো বা দেখার জন্য আমরা সঠিক জায়গা না পেলে আমরা নিশ্চয়ই আসতাম না। সেই তুলনায় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের গোকুলপুরের মাঠে গোকুলপুর আমাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে, চাঁদ ভৈরব ক্লাব আমাদের কাছে এই ব্যবস্থাটা করেছে যে আমরা সঠিকভাবে সঠিকভাবে বসে সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে আমরা যাতে এই ম্যাচটাকে অনেক খুশিভাবে দেখে শেষ করতে পারি। सही में शिखा जी आमा कथा दे नेगरी गया आप मेन के दाजे नोने गोकुलपुर रन कमेटी तीन जत्तो बिना कुआ नोने कार्य करता को नवा टूर्नामेंट सजाओ सपड़ाओ लगे मेहनत दिन खै दिन को मेहनत लेदा आज चिना जे बीच बीच रे को नहीं क्या था प्रकाश जी है नहीं क्या था नोने ना जब सजाओ सपड़ाओ चला कर था नोने की जोम यू नोने की गीति दुरु आकुरन किधर पिधर बहु को जतो को हिंच चबाओ का था तीन दिन ओड़ा गया देखा हो बड़ी जनता को अनुकुआ हिसरिया आ नीन सजाओ सपड़ाओ आ नवन वा दिन लगी बड़ी खुशी लिया कथा कना पहिल धाव नोका टूर्नामेंट दिन मोय जार्गनाइज करा और बात पूछो कना जे नोने जब पहिल धाव नोने को जपा नोडे स्टेडियम बात है कि स्टेडियम बनाओ पता है नीनो सुंदर आयोजन उन्हें हम टॉप क्लास किया नियर धाव लिए रिकॉर्ड बीट का हर जगह कोई तीनों तो पिड़ा को सेटर ना खिलाड़ी को सेटर ना और कोई दार्जिलिंग कोई को सेटर ना कोई सिक्किम कोई सेटर ना कोई बंगाल कोई कोलकाता कोई रांची कोई जो तो खिलाड़ी नोडे सभापति को चलाओ ना हरा वे जीते हुए जो तो टीम रन खिलाड़ी नोडे जॉब करते हो ना हो हाकू जिल जॉब करते हो तू ना बॉय आज जाता हूँ तहल रहे कोई दिक्कत बात हर
स्वागत लगी से लेडीज वॉलेंटियर को लगी नवा चांद भाई रा क्लब रे जतो को भी अड़ी आड़ गोबा जना को बड़ा ओपन आउट को अड़ी अड़ी सहा नवा फुटबॉल खेल दो मीटे समर्पण रिया खेल करा मीटे अड़ी इंपॉर्टेंट चीज ले बुना नवा फुटबॉल मैच रिया ओका एंट्री गेट रे ओका बुन मीटे बैनर बुन जलता ओका साड़ियो माने को जले करा ओका खिलाड़ी को बोलो का नोडे प्रवेश द्वार सड़ियों माने उपेदो उनका रेगे जुड़ार ने कहे करा उपेदो फुटबॉल जगत रे रोनाल्डो मेसी लिखा खिलाड़ी उनको लिस्ट रे लिखा करा प्रेम है प्रेम जी सर सर एक मिनट यहाँ के डेकोरेशन यहाँ की विधि व्यवस्था को देख करके हमारे हमारे अमित गुप्ता जी जो कि मैकेनिकल है और यहाँ की सजावट यहाँ की विधि व्यवस्था को देख करके हमारे चांद भैरव क्लब गोकुलपुर के टूर्नामेंट में प्रोत्साहन के लिए हमारे फंड में कमिटी के फंड में 1100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। मैं अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुबारक और आपके तरह का ये इंसान दिलदारी इंसान होना चाहिए कि आपने यहाँ हम सबको अप्रिशिएट किया है और मैं समझता हूँ कहते हैं कि एक एक कदम के साथ इंसान आगे बढ़ते हैं और आपको देखकर निश्चित रूप से और भी लोग इसी तरह से हम लोग को प्रमोट करेंगे। तो मैं कह रहा था कि फुटबॉल का खेल एक संघर्ष का खेल होता है। आपको मैं एक चीज जिक्र किया था सामने वाले में आप देख रहे हैं जहाँ से खिलाड़ी एंट्री करते हैं जहाँ पर साड़ियों माने का आप बड़ा सा पोस्टर लगे हुए थे देखे साड़ियों माने फुटबॉल जगत का एक ऐसा हस्ती अगर फुटबॉल प्रेमियों के लिए मैं कहूँ उनके अगर जीवनी को उनके बायोग्राफी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। साड़ियों माने सेनेगल देश और उनके संघर्ष की कहानी कहा जाता है कि इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि बचपन में 12 वर्ष की उम्र में 160 किलोमीटर तक पैदल चलकर ट्रायल चले गए थे पटे जूते पहनकर और उनको ट्रायल में भी जहाँ जिस जगह पर वो ट्रायल एकेडमी में गए थे वहां पर भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था ये बोल करके कि आपके पास पर्याप्त जूते नहीं है। लेकिन उसने कहा कि सिर्फ मुझे 5 मिनट खेलने का मौका दीजिए और उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा क्योंकि मैं 160 किलोमीटर दौड़ कर आया हूँ। और सड़ियों वाले ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर 2 गोल दागा ट्रायल मैच में और उसने एक चीज ठान लिया था कि आज वक्त मेरा नहीं है लेकिन एक वक्त ऐसा लाऊंगा कि पूरे विश्व मेरे नाम से जानेगा। और सर्वे माने वो खिलाड़ी है जो कि पूरे देश में एक ऐसा खिलाड़ी को मैं जानता हूँ जो कि आपने 80% अपने कमाई का हिस्सा वो गरीबों में दान देते हैं। आपने गांव में अपने नाम पर स्टेडियम बनवाए अस्पताल बनवाए और चूंकि वो ज्यादा शिक्षा नहीं ले पाए थे वो गरीबी को काफी गरीब से देखे थे और इस वजह से उसने अपने गरीबों को हर संभव वो प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि 80% अगर वो चाहते तो बड़ा सा फ्लाइट आपका अपना प्राइवेट जेट होता लेकिन वो ना रह करके वो किसी तरीके का शो ऑफ नहीं करते।